एजुकेशन का भी चेक हो जाएगा। आप पहले बताए क्या समझ में आए, आप बताए, तो सोचने की जरूरत नहीं होती है, खड़े होके बता। बहुत कुछ करना होता है, चलो अच्छी अच्छी चीज समझ में आए। दूसरा आपको क्या समझ में आया, फ्यूचर का तो सोचना चाहिए, क्योंकि प्रेजेंट आपके हाथ में जो है वो तो है, फ्यूचर ही तो मेन है, उसके लिए तो पढ़ाई नहीं कर रहे हो, उसी के लिए कर रहे हो एक्चुअली, और कुछ नहीं है। आपने क्या आपका सर क्या समझ लिया है, रिस्क लेना चाहिए, और कितना बड़ा रिस्क लेंगे सोच ली, कुछ हटके तो करो। तो भी आपको क्या समझ में आया, रिसर्च करना चाहिए, सबसे अच्छी बात है सर, वो बुक पढ़ पढ़ के का सर जैसे अपन प्रेजेंट में जी रहे हैं, तो फ्यूचर सबसे पहले तो फ्यूचर का क्यूरियोसिटी होनी चाहिए, किसी चीज को जानने की इच्छा, जानने की इच्छा होगी तो बंदा खुद अपने आप रिस्क लेगा, रिस्क लेगा तो हार्डल्स तो आएंगे डेफिनेटली आते ही है, तो उससे बचना है अपन को, मतलब हार्डल्स आएंगे तो उसको मेंटेन करके चलना कि हाँ सब ऊपर नीचे होता रहता है, अपन को अपना काम करना है और सक्सेस पानी। आप बताइए मेरे से ले लो सेंटर में, आप इसके अलावा कुछ लास्ट अंश तुम्हें क्या समझ में आया? लास्ट सर मुझे ये अच्छा लगा कि हमें जो भी काम करना है अपने लिए नहीं करना है, लोगों की जिंदगी बेहतर बनाने के लिए करना है, ये उनका टॉपिक था और इसी पे उन्होंने काम किया, अपनी लाइफ में उन्होंने इसी पे काम किया, किसी भी काम को हम कितना आसान कर सकते हैं, जैसे ट्रैफिक और ट्रैफिक के लिए ट्रेनर बना है, स्पेस में जाने के लिए, एक मिनट स्पेस में जाने के लिए, और जो पेपाल की शुरुआत हमने करी करेंसी के लिए, तो हमें अपने जीवन को जो है हमारे दैनिक जीवन में जो चीजें हैं उनको हम कैसे इजी करते चले हैं, और हमें उन लोगों के लिए काम करना, अपने नजरिया लोगों के जीवन को बेहतर बनाना है, इसलिए हम जब हम ऐसा करेंगे तो हम खुद आगे बढ़ेंगे, और भी कंपनी हमने खुद के लिए नहीं किया, सारी दूसरों की सुविधा सर्विसेज के लिए सामने वाला जो भी होगा उसको अच्छी सर्विस मिले, वो ज्यादा से ज्यादा टाइम बचे, तो फाइनली आज के जो फिल्म हम लोग ने देखा, ये जो इलॉन मस्क पे जो एक स्टोरी हमने देखी, तो इस स्टोरी का एक जो सबसे प्लस पॉइंट जो मुझे समझ में आया, प्लस पॉइंट स्टोरी का ये आपका है कि आपको हमेशा कुछ बड़ा करने का सोचना चाहिए, थिंक बिग, आजकल का जो लाइफ जो चल रहा है इसमें लोग ज्यादातर आपको कहते हैं कुछ बड़ा करो, अगर आप अपने लाइफ को देखें, आप लोग जो डिग्रियां कर रहे हैं, आप लोग जो पढ़ाई कर रहे हैं, आप लोग जो कुछ भी आज कर रहे हैं, इसका मेन मोटिव अपने फादर मदर का भी कि थोड़ा बड़ा कुछ सोचो बच्चा, अगर वही वही जिंदगी चलनी होती तो फिर तो बिना पढ़े लिखे भी लोग कर रहे हैं, तो थिंक बिग करें, कुछ बड़ा करें, और इसके लिए एक चीज और भी आपको अच्छा समझ में आया, थिंक बिग के साथ बड़ा सोचने के लिए आपको एक बार बड़ी जगह जाना भी पड़ेगा,